और चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड फ्लावर होटल सरकार को देने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। भारतीय सेना के 26वीं पंजाब रेजिमेंट में सेवारत हैप्पी सिंह का निधन। ब्रेन हेमरेज से हुई मृत्यु। मुख्यमंत्री ने सेना के जवान के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ सदन। कई मुद्दों पर सदन में तनातनी। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर घेरा। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र। मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। बजट सत्र के सातवें दिन विधानसभा के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा विपक्ष सुर्खियों में बने रहने के लिए कर रहा है प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर सूर्य बोरस नेगी ने की बजट की सराहना। कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल। पीएम मोदी ने नादौन और सलहो में दो केंद्रीय विद्यालयों को दी सौगात। 38 करोड़ की लागत से बने भवन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम यूएसए के तहत सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को दी 20 करोड़ की ग्रांट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का अपनी ही सरकार पर कटाक्ष। कहा शर्मिंदगी महसूस कर रहे नेता वर्कर। अपनी ही पार्टी में नेताओं के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। मंत्री बनने के बाद एक्टिव मोड में यादविंद्र गोमा। अचानक पहुंचे आयुष निदेशालय। डॉक्टर्स का एनपीए बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने 2.5 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक की शुरू। बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर बनी रणनीति। बिलासपुर में व्यापक स्वीप कार्यक्रम का आगाज। आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना लक्ष्य है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत बच्चों ने जिला मुख्यालय का किया भ्रमण। डीसी सिरमौर सुमित का खिमटा से की मुलाकात। जम्मू में इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप आयोजित। हिमाचल यूनिवर्सिटी के तरनप्रीत ने जीता कांस्य पदक। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। जेसीबी ऑपरेटर की मलबे में दबने से मृत्यु। चम्मा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। लोगों को हो रही परेशानी। चम्मा में दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के मनाली लाहौल स्पीति में ताजा हिमपात। सोलंग नाला नेहरू कुंड के बीच मौज मस्ती करते नजर आए पर्यटक। सोलन शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम लगातार जारी। नशे के खिलाफ युवाओं ने निकाली जागरूकता रैली। पोस्टर पंपलेट के जरिए युवाओं को किया जागरूक। ऐतिहासिक माघ मेले का आगाज। 8 दिनों तक पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा त्योहार। ढालपुर में स्वयं सहायता समूह का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दी जा रही ट्रेनिंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए।